अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड मिल्क शेक। इस चिलचिलाती गर्मियों में कस्टर्ड मिल्क शेक पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए हम बनाते हैं कस्टर्ड मिल्क शेक। सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे, तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध, 3 बड़े चमचे कस्टर्ड पाउडर और साथ में 4 बड़े चमचे शक्कर यानी शुगर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके साथ यहाँ देखिए, ये 3 बड़े चमचे कस्टर्ड पाउडर है, इसे हम थोड़े से दूध में अच्छे से घोल लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा करने से जब हम कस्टर्ड बनाएंगे तो कस्टर्ड में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लम्स नहीं पड़ेंगे इसमें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पहले। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका। अब इसे हम साइड में रखते हैं और दूध की तरफ चलते हैं। दूध में पहले ही बॉईल कर चुकी हूँ, मैंने बॉईल दूध लिया है, आधा लीटर दूध है ये। अब इस दूध को हमने गर्म करने रखा। अब ये देखिए, इस दूध में उबाल नहीं आया है। अब बस उबाल आने से पहले ही हमें इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर मिला देना है। तो मैंने फ्लेम को स्लो कर दी ताकि इसमें उबाल ना आए, और इसके अंदर हम कस्टर्ड का मिक्सचर डालेंगे। तो ये रहा हमारा कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर, जिसे हमने थोड़े से दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस मिक्सचर को हम दोबारा से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अगर नीचे तले में ये पाउडर बैठा हुआ हो तो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, परफेक्ट ये मिक्स हो चुका। अब इसे हम दूध में डालेंगे। आपसे मैं कह चुकी हूँ कि दूध में हमारे उबाल नहीं आया है। अब इस मिक्सचर को हम एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से दूध को तेज़ी से चलाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह इस तरह करने से कस्टर्ड में लम्स बिल्कुल नहीं पड़ते, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ती और बिल्कुल स्मूथ सा, क्रीमी सा हमारा कस्टर्ड तैयार होता है। ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो गया। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट है। मैंने 3 बड़े चमचे कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किए हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी और गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अब इसे हम जो है मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। कस्टर्ड को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट पका लूँगी और फिर हम इसमें मिलाएँगे शक्कर। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा कस्टर्ड है ये। आप इस कस्टर्ड को फ्रूट सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कस्टर्ड फ्रूट सैलेड का वीडियो मैं लोड कर चुकी हूँ, आप मेरे इस वीडियो को चेक कर सकते हो। ये देखिए, काफ़ी गाढ़ा कस्टर्ड है ये। ये देखिए, अभी ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस काफ़ी है, इतना थिक है। अब हमें मिलानी है इसके अंदर शक्कर यानी चीनी। शक्कर मैंने 4 बड़े चमचे लिए हैं। ये देखिए, ये मैंने डाल दी इसमें शक्कर, और शक्कर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे ताकि शक्कर जो अपना पानी छोड़ती है वो कम हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा ये पतला हो जाता है शक्कर मिलाने के बाद, तो इसीलिए हम इसे 2 मिनट दोबारा पका लेंगे ताकि वापस ये अपनी ठीक से हो जाए। परफेक्ट, ये बिल्कुल अच्छे से हमारा कुक हो चुका है। बस 1 मिनट और बना के इसे पका लेंगे हम और फिर फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ है ये। हम बना रहे हैं कस्टर्ड मिल्क शेक। इसे बनाना बहुत आसान है, पर झटपट से आप कस्टर्ड तैयार कर ले इस तरह से और फिर तो ये बहुत ही झटपट तैयार होता है मिल्क शेक इसका। तो ये देखिए, अब मैं इसकी फ्लेम को बंद करती हूँ और इसे हम जो है थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे ढक दिया था और इसे बिल्कुल मैंने ठंडा कर लिया। रूम टेम्परेचर पे हमारा कस्टर्ड आ चुका है। ये देखिए, ढक इसलिए दिया था ताकि इसके ऊपर मोटी सी मलाई न जम जाए, हमारा कस्टर्ड इक्वल रहे। तो ये देखिए, हमारा कस्टर्ड तैयार है। अब इसे हम एक बोल में निकालते हैं और इसके अंदर डालते हैं तकरीबन 4 बड़े चमचे फ्रेश क्रीम।
ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप कर दें, ना डालें, लेकिन इसके डालने से मिल्क शेक बहुत ही क्रीमी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसमें मिला दी हूँ 4 बड़े चमचे क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई जो होती है दूध पे की वो भी डाल सकते हो। अब ये लीजिए, इस कस्टर्ड को मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में और इसके अंदर हम डाल देंगे बर्फ़, आइस क्यूब। पहले ही कस्टर्ड मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर चुकी हूँ और इसे ठंडा करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे आइस क्यूब ताकि बिल्कुल चिल्ड ठंडा ठंडा हो जाए और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया बिल्कुल परफेक्टली, ये जो कस्टर्ड हमारा तैयार है। तो ये लीजिए, अब इसे हम ग्लास में डालते हैं, सर्विंग ग्लास में। आप चाहें तो इसे प्लेन इसी तरह पी सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, या इसे और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ा। ये सब्ज़ा जिसे तुकमरंगा कहते हैं, इसे मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। ये बहुत ही ठंडा होता है, हेल्दी एंड टेस्टी। तो इसे मैंने डाल दी, सब्ज़े को मिक्स कर दिया और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, और इसके साथ थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर दूँगी जेली क्यूब से। जेली आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। ये देखिए जेली बनाने अगर आपको देखनी है तो आप मेरा फ्रूट कस्टर्ड का वीडियो देख लें, उसमें आपको परफेक्टली समझ आएगा जेली किस तरह बनाई जाती है। और ये मैंने ऊपर डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो लीजिए तैयार है बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा कस्टर्ड मिल्क शेक। इस रमज़ानों में आप इसे ज़रूर बनाएं, ख़ुद पिएं और औरों को पिलाएं। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।